cancer is the second leading cause of death across the world. Globally, 1 in 6 deaths occurs due to cancer. As the National Cancer Awareness Day is being observed across the country, there are some who believe that cancer is like any other disease and can be fought and won over. Meet Sonika Bakshi, who lost her own sister Monica to cancer and is now leading the fight against cancer through Stronger Than Cancer, which was founded by both of them to give hope to cancer warriors. Monica, my twin sister, I think uski tarah maine I haven't seen another person so larger than life. Jab usko cancer hua, usne cancer ko bilkul aise liya jaise ki ye ek bimari hai. Uska ek quote hai jo main aksar Stronger Than Cancer ke zariye main logon tak pahunchati hu, wo ye hai ki cancer is only a diagnosis. वो इसलिए कहती थी कि हर बीमारी की तरह कैंसर भी एक बीमारी है, लाइलाज नहीं है, इसका इलाज हो सकता है और उससे लड़ने की जो ताकत है वो उसमें जितना मैंने देखा वो शायद ही मैंने किसी में देखा, और उसी ताकत को उसके बाद मैं स्ट्रॉन्गर देन कैंसर के जरिए दूसरे लोगों तक ले जाना चाहती हूँ. स्ट्रॉन्गर देन कैंसर इज टुडे अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन टू दोज हु हैव लॉस्ट होप कंप्लीटली. इट्स ट्राइंग टू ब्रिंग पीपल टुगेदर एंड मेक देम बिलीव दैट कैंसर इजंट इनविंसिबल. Stronger Than Cancer, बिल्कुल प्लेन शब्दों में अगर मैं कहूँ, इट wants टू अचीव अ सोसाइटी where पीपल आर नॉट stigmatized बाय द डिजीज called कैंसर, एंड द होल आइडिया दैट कैंसर इज conquerable इज समथिंग दैट आई want टू टेक टू पीपल. besides दैट आई also want टू टेक अ मैसेज आउट there दैट अगर आपको ये बीमारी हो गई है, अब आप ये कर सकते हैं कि आप इससे लड़ें, और किस जोश के साथ लड़े वो मैं दूसरों की कहानियों के जरिए लोगों को मोटिवेट करती हूँ. Sonika believes that along with cancer awareness, there's a need for cancer survivorship awareness as well. Cancer awareness के साथ, I think cancer survivorship की awareness भी होना बहुत ज़रूरी है. और I think cancer awareness day का जो महत्व है, वो cancer survivorship के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी होगा. She says that the real awareness about cancer can begin only if people stop being in denial. लोग अचानक से बोलते नहीं, मुझे तो कैंसर है नहीं. तो आई थिंक पहले तो वो डिनायल है, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है. डिनायल बहुत बुरी बात है. आपको पहले एक्सेप्ट करना होगा कि एक बीमारी, और वो किसी को भी हो सकता है. जिसको होता है उसने कभी सोचा नहीं होगा कि मुझे कैंसर हो सकता है, बट हुआ है. तो आई थिंक वो स्टिग्मा जो है वो बहुत स्ट्रांगली जुड़ा है सोसाइटी में. आई थिंक दैट स्टिग्मा नीड्स टू ब्रेक फर्स्ट, और उसी के साथ जो है अवेयरनेस की शुरुआत हो सकती है. There's a need for family and friends to rather give power to the cancer warrior to fight that battle than feeling sorry for those suffering. सबसे बड़ा जो चैलेंज एक कैंसर वॉरियर को, मैं कैंसर वॉरियर कहना चाहूँगी, जो फेस करता है वो या करती है, वो ये है कि जब वो किसी से ये न्यूज़ ब्रेक करती है कि मुझे कैंसर है, पहला जो रिएक्शन होता है वो ये होता है, ओ आई एम सो सॉरी टू हियर दैट. क्यों? मेरा सवाल है क्यों? अगर ये एक बीमारी है, इसका इलाज है, तो किसी को ये जताना कि इसका इलाज नहीं है, बस आई एम सॉरी टू हियर दैट, इसका मतलब आपकी मौत हो चुकी है. आई थिंक मैं ये बहुत पुरजोर तरीके से सब तक ले जाना चाहती हूँ, और सबको बोलती हूँ कि जब आप किसी कैंसर वॉरियर से मिले तो उससे आप ये कहिए कि देखिए, इट्स अ बैटल यू हैव टू टेक अप, प्लीज़ गो अहेड एंड फाइट लाइक अ वॉरियर, एंड आपको जीतना है. जिस दिन लोग ये कहना शुरू करेंगे ना, मेरा यकीन मानिए, आधी से ज़्यादा जो जो स्टिग्मा है, जो यू नो, जो अवेयरनेस की कमी है, वो ख़त्म हो जाएगी. लोग समझेंगे कि एक बीमारी है और उसका इलाज है. Sonika believes that the cancer warrior needs to embrace himself and accept that bald is beautiful. तो पहला तो ये है कि चाहे वो औरत हो या आदमी, आई थिंक सबसे पहला फियर कीमोथेरेपी के साथ ये होता है कि मेरे बाल झड़ जाएंगे, और वो बहुत जायज़ है, क्योंकि हम अपने अपने बालों को अपनी ब्यूटी, अपनी पर्सनालिटी से जोड़ते हैं. लेकिन मैंने अभी रिसेंटली कैंपेन चलाया था स्ट्रॉन्गर देन कैंसर के फेसबुक पेज पर, उसको कहा था हैशटैग बॉल्ड इज़ ब्यूटिफुल, बॉल्ड इज़ हैंडसम, एंड ये दो हैशटैग के ज़रिए मैंने 25 से ज़्यादा स्टोरीज़ कवर किए हैं, जहां लोगों से मैंने अपील की थी कि आप अपने बॉल्ड एंड ब्यूटीफुल पिक्चर्स आप मुझे भेजिए, और लोगों ने भेजे अपने 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 स्टोरी के साथ, अपनी कहानी के साथ. और मैंने वो फीचर जब किया, मुझे रियलाइज़ हुआ कि बालों का झड़ना, वो शुरुआत का जो जो डर होता है, वो धीरे धीरे जब आप एक्सेप्ट करते हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, इसका साइड इफ़ेक्ट है, तो लोग उसको एम्ब्रेस करना शुरू करते हैं. और जिस तरह के पिक्चर्स मैंने पोस्ट किए, वो अपने आप में इतना कॉन्फिडेंट थे, इतने खूबसूरत थे, कि लोगों ने खुद को बॉल्ड इज ब्यूटीफुल माना. द बिगेस्ट फियर इन द माइंड ऑफ अ कैंसर वॉरियर इज दैट ऑफ रिलैप्स, बट Sonika फील्स दैट्स अ टफ बैटल, बट वन शुड लिव वन डे एट अ टाइम.
आमतौर पे जिसको कैंसर होता है और वो रिमिशन यानी कि कैंसर फ्री स्टेट तक जाता है, उसको सबसे बड़ा फियर यही होता है कि दोबारा कैंसर आ जाएगा। मेरा कहना ये है कि एक एकहार्ट टोले की एक बुक है जिसको कहते हैं द पावर ऑफ नाउ, उस किताब को अगर कोई पढ़े तो वो समझेगा कि हर दिन को एवरी डे अगर आपने कैंसर को जीता है, कैंसर से जीत हासिल की है, आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी है, उसके बाद आप रेमिशन में आए हो यानी आप कैंसर फ्री हो, उसके बाद के हर दिन को आपको एक दिन वन डे एट अ टाइम की तरह लेना चाहिए और रिलैप्स के बारे में सोचना नहीं चाहिए। हालांकि थॉट्स आ जाते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि वाई शुड वन थिंक अबाउट रिलैप्स व्हेन यू हैव जस्ट बीन डिक्लेयर्ड यू नो इन रिमिशन। Sonika strongly feels that media should play a more constructive role in creating awareness about cancer and give hope to the warriors. I was totally heartbroken and I realized ke jo khabrein aapko aam logon tak le jani chahiye, jo kahaniyan jinko padhkar khushi hoti hai, wo kahaniyan agar aap nahi le ja rahe hain to logon ko kahan se pata chalega ki cancer se jeeta bhi ja sakta hai। To stronger than cancer jab meri behan ne shuru kiya, maine aur usne saath mein shuru kiya, to hamara purpose ye tha ki we will break that darkness in the media where survivorship is not a topic of discussion. So I think survivorship is everything and I think that ye jo stronger than cancer ke zariye jo campaign hum chala rahe hain uska naam hi hai cancer survival awareness mission।